सचिन जोशी और नरगिस फखरी स्टारर फिल्म अमावस फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है और हम आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों ही यानी नरगिस फखरी और सचिन जोशी ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है। हालांकि नरगिस फखरी की गॉर्जियसनेस और हॉटनेस भी उनकी इस फिल्म में ओवर द टॉप एक्टिंग को छुपा नहीं पा रही। इस फिल्म में इन दोनों एक्टर्स के अलावा मोना सिंह भी हैं, जो कि इस फिल्म में साइकियाट्रिस्ट का किरदार निभा रही हैं और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। बात करें डायरेक्शन की तो इस फिल्म को भूषण पटेल ने डायरेक्ट किया है, जिनका डायरेक्शन काफी ज्यादा क्लिशे था। बात करें स्टोरी लाइन की तो इस फिल्म में वही पुरानी कहानी है, जहां एक चुड़ैल है, एक भूत है और एक ऐसा कपल है जिन्हें पता नहीं क्यों एक भूत बंगले में जाकर रहने का शौक है। बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ही एक ऐसी चीज है जिसने इस फिल्म के एक आधा हॉरिफाइंग सीन्स को इम्पैक्टफुल बनाया है। तो वहीं ये पहली बार होगा जब किसी इंडियन हॉरर फिल्म में इतना ज्यादा VFX यूज किया गया है, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। जानते हैं कि ऑडियंस का इस फिल्म के बारे में क्या कहना है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। डर तो बहुत लगा, मुझे नहीं पता शायद आज रात में ठीक से सो भी ना पाऊं, इतना डर लगा। डरावनी तो डेफिनेटली है, काफी सारे सीन्स है वैसे। इट्स गुड इनफ, लाइक इट्स वर्थ वाचिंग। हाउ इज नरगिस फखरी, कैसी थी? सुपर एंड शी इज आल्सो हॉट। ओवरऑल अच्छी है, बोरिंग नहीं है मूवी। हमेशा थोड़ी सी स्टोरी चलने के बाद एक और ट्विस्ट आता है, एक और ट्विस्ट आता है। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्विस्ट। जब वो बेल बजाती है ना, उस समय जो उनका फेस होता है ना, वो एकदम मतलब जबरदस्त था, एकदम डिफरेंट और मतलब डरा हुआ, एकदम पूरा सब शांत क्या हो रहा है वो देख रहे थे लोग। हॉरर सीन सच में बहुत ज्यादा डरावने थे। दैट वन पर्टिकुलर सीन VFX के थ्रू ही आया होगा ये, मे बी दैट भूत बाहर आते पीछे से, दैट वाज क्वाइट नाइस। अच्छा था वो देख के लगा अच्छा ये क्या हो रहा है। हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। जानते हैं कि ऑडियंस ने इस फिल्म को क्या रेटिंग दी है। कितने स्टार देंगे आप इसे? 5 में से आई वुड से 4। 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप 4.5 cuz I really like the VFX. 4 आप? 3.5 आपको कैसा लगा हमारे ये रिव्यू? कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।